नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एमदेव आंगन ब्लॉग के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज अगर काम की बात करें तो आज बना है ये वाला एक वी शेप जैकेट। जी हाँ दोस्तों, ये वी शेप जैकेट है। इस जैकेट को कोट के अंदर में पहना जाता है। दोस्तों इसका कोट नहीं है, जो ग्राहक है ये इसे ऐसी सिंपल एक जैकेट बस सिला है, क्योंकि इसे पैंट के साथ पहनने के लिए ये ग्राहक सिलवा रहे हैं। ये अधिकतर देखा जाए तो कोट के अंदर पहना जाता है, कोट के साथ ये जैकेट बनता है, लेकिन इसका कोट नहीं है, ये जैकेट नॉर्मल बना है। तो चलो आपको इस जैकेट को मैं और अच्छे से दिखा देता हूँ, फिर बात करते हैं आगे इस वीडियो में। दोस्तों ये है जैकेट, जो कि मैरून कलर का जैकेट है। दोस्तों इसमें भी बटन और काज नहीं हुआ है, सिर्फ जैकेट बना बस है। इसमें अब बटन लगाना है और काज करना है और प्रेस करना है, बस इतना ही काम है। तो दोस्तों ये जैकेट भी अच्छा चलता है, पहनने वाले जैकेट को भी बड़े शौक से पहनते हैं और अच्छा लगता है पहनने के बाद में। तो आप भी चाहते हैं तो इस जैकेट को आप लोग सिला सकते हो। दोस्तों इस जैकेट में ऊपर पॉकेट कोई रखता है, कोई नहीं रखता है। अब ये जो ग्राहक है वो ऊपर पॉकेट रखने के लिए मना किए हैं, तो यहाँ पे ऊपर पॉकेट हम नहीं रखे हैं। नीचे दो पॉकेट तो रहता है, ये तो परमानेंट हर जैकेट में रहता है। उसके बाद इसमें अंदर में भी पॉकेट नहीं रहता है, इसमें सिर्फ सामने का जो दो पॉकेट जो देख सकते हो बस वही पॉकेट रहता है और कुछ नहीं रहता है। तो बस दोस्तों यही आज का एक काम हुआ था। और अगर नए काम की बात करें तो चलो आपको और दिखाता हूँ कि आज नया काम में क्या क्या काम आया है करने के लिए। तो दोस्तों अगर आज नए काम की बात करें तो नए काम में तो अभी सिर्फ एक ईद वाला जैकेट आया है बनाने के लिए, दो जैकेट आया है बनाने के लिए, एक ही नाप का है। ये दो जैकेट है, ये दो जैकेट आप लोग देख सकते हो, ये ईद वाला जैकेट है। इसे ईद के समय तक के टाइम तक के बना के देना है। ईद जैसे कि दोस्तों मेरे ख्याल से 11 तारीख को ईद है, तो ईद तक के जितना हमारे पास काम है वो सारे काम को करके देना है। तो दोस्तों कल के लिए एक कोट है जिसे हमें कल बनाएंगे। अगर वो कोट कल शाम तक बन गया तो मैं आपको नया वीडियो में बना के दिखा दूंगा। दोस्तों वो कोट छोटा साइज का कोट है, एक बच्चे का कोट है, बच्चे नहीं मतलब नॉर्मल साइज का ही कोट है, तो इसी कोट को कल बनाना है। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपको एक और नया वीडियो में। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।